अगर इस दुनिया में उजाला है तो इसी दुनिया में अंधेरा भी है, अगर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो इसी दुनिया में बुरे लोग भी हैं, अगर ये दुनिया सुलझी हुई लगती है तो माफ करना दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही अनसुलझी है। और इसी अनसुलझे रहस्यों को हम आपके पास लाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिसका नाम है मिस्टर मिस्टीरियस। अगर आप एलियंस के शौकीन हैं तो आपने एलियन अपहरण के बारे में तो सुना ही होगा, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक एलियन अपहरण वाले किस्से की, तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, शनिवार 21 अक्टूबर 1978। 22 साल का एक पायलट फ्रेडरिक वेलेंडिज अपने ट्रेनिंग फ्लाइट 182 लाइट एयरक्राफ्ट से बाज ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तभी न जाने कहां से एक रहस्यमय चीज उसके प्लेन के ऊपर मंडराने लगी और कुछ देर बाद वो चीज और प्लेन दोनों गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, पूरा का पूरा प्लेन ही गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले फ्रेडरिक ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कुछ बातें की थी, आइए ये सुनते हैं। ये बातें फ्रेडरिक की एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई आखिरी बातें थी। इसके बाद फ्रेडरिक और उसके प्लेन का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इस घटना की रात को ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे हिस्सों से यूएफओ देखने की खबरें दर्ज होने लगी। इस संबंधित रिपोर्टर्स ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट उलझन में थे कि क्या सही में यूएफओ वेलिंगटन के लापता होने के पीछे का कारण हो सकते हैं। कुछ ऑफिशियल ऐसे भी बोलते हैं कि बाज ट्रेन में पानी में खुद का ही रिफ्लेक्शन देख के और या फिर प्रतिबिंब देख के वेलिंगटन डर गया। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पास वाले आइलैंड से आते हुए लाइटों को देखते हुए डर गया, लेकिन हकीकत में क्या हुआ ये एक रहस्य बन चुका है। आपको इस बारे में क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में हमारा नाम है मिस्टर मिस्टीरियस। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।